Dog Brain! चारों तरफ साइलेंस हो गया है। सबकी नजरें खूब बर्टन बर्गर पर टिकी हुई है क्योंकि वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। टेन ड्रम्स का। क्या हम थोड़ा फोकस करें डेनिस? मुझे एक इम्पोर्टेंट जंप करनी है। ऑल सेट कूप। पता नहीं किसने मेरी जंप खराब की, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। खूब अंधेरा हो रहा है, बेड टाइम। कमिंग डैड। क्या तुम ये भी देखोगे कि कैट भी घर पर आ जाए? ओ, क्यों नहीं डैड। तुमने मेरी जंप बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। ये लड़का कहाँ गया? कूप! नो टाइम डैड। डोर्स लॉक करने हैं, कैट अंदर जा चुका है। ऊपर वाली विंडो। तुम तो काफी स्लो हो। मिस्टर कैट, कूप, क्या तुमने मिस्टर कैट को देखा? शायद वो नीचे वाली लॉन्ड्री बास्केट में होगा। ओह, वेल, जानकर खुशी हुई कि वो सेफ और साउंड है। 99! लगता है आज रात तुम्हें दूसरी कैट के साथ बाहर रहना होगा। गुड मॉर्निंग स्लीपी हेड, उठने का टाइम हो गया। ओह नो, मिस्टर कैट, तुम कहाँ हो? मिस्टर कैट! वो क्या था? वो एक कैट आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है। मिस्टर कैट! ओह, तो तुम यहाँ पर हो। मैं बहुत टेंशन में थी। हाँ, सुबह सुबह एक ताजे पेपर के सिवा और कुछ नहीं। क्या क्या बात है? कैट एविल है, मेरे पास प्रूफ है। कूप ने मिस्टर कैट को पूरी रात बाहर रखा, अब देखो ये कितना कांप रहा है। ये सब एक नाटक है। मिस्टर कैट उसके आर्मी को मुझ पर अटैक करने का ट्रेनिंग दे रहा था, देखो। कूप, तुम्हारे कपड़े उनके पास क्यों हैं? पता नहीं, पर वो लोग कुछ देर पहले और ही थे। वो आवाज़ें, फोन के पंजे। नेवर माइंड। और किटीज। ओह नो 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 नो, मेरे ख्याल से मिस्टर कैट ही इस घर के लिए काफी है। शू कैट्स गो, गेट गो। वैसे कैट आज थोड़ा अलग सा लग रहा है ना? वो तो रोज ही अलग लगता है। हमें मिस्टर कैट के लिए कुछ करना चाहिए डैडी। इसके लिए कूप की पॉकेट मनी में से एक नया टॉय खरीदते हैं। वाओ, मिली आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे उस दिन हाउस ऑफ स्वैप में भी कुछ मिला था। आहा, तारा! ओह, मिस्टर कैट को ये बहुत पसंद आएगा, देखो।
Well, इसे इतनी जल्दी खराब मत करना हाँ। Come on, Mr. Cat, अपने चूहे के साथ खेलो। तुम्हें अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए था। See ya. उस पर ध्यान मत दो, Mr. Cat. Hey, देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये काउबॉय स्टार आउटफिट बनाई है। अच्छी है ना? अब बस लैसो की कमी है। I'll be right back. अजीब बात है। Excuse me. इसमें कोई अजीब बात नहीं कि कुछ कैट मुझे देखकर लटक रही है और घूर रही है। ये भी लॉक पर क्यों? Dad, Millie, Dad, oh man! तो कैट, हाँ, लगता है तुमने काफी सारे नए दोस्त बना लिए हैं और तुम नया टॉय उनके साथ शेयर कर रही हो। हाँ, हाउ नाइस। क्या हम एक डील कर सकते हैं? क्या मैं तुम्हारे पेट पर रब करूं? राइट, नो डील। अब तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ एवलामी। Okay, ये बहुत ही गंदा था। Look out, guys! तुम्हारे पीछे cat army है। Cat boy. Yeah, हम क्या कभी डरेंगे? That's it. Oh. Dennis, cat army alert! जल्दी दरवाजा खोलो। Hi, Coop. क्या हुआ? मैंने कैट को पूरी रात बाहर लॉक कर दिया था। अब उसने मेरे खिलाफ एक कैट आर्मी बना ली है। क्या तुम जाना चाहते हो आर्मी में? क्या तुम्हें जाना है टैप डांस क्लास? नो, कैट आर्मी हर जगह भाग रही है। म्याओ, हर जगह। गेट इट? ओह, कैट आर्मी आ रही है। गॉट इट। पर तुम्हारे पीछे ये कैट आर्मी क्यों है? कैट ने पता नहीं उन्हें कुछ ट्रेनिंग दी है। फिर हम अपनी तरफ से उन्हें भी कुछ ट्रेनिंग देंगे। Yeah! Wait, इसका क्या मतलब है? Battle Station! Windows देखो! हमें उनको डिस्ट्रैक्ट करना होगा, पर कैसे? मेरे लेजर पॉइंटर से। That's it. Go get it. इस लाइट को पकड़ो किटी. Get it. नहीं, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लेजर पॉइंटर की बैटरी बस होने ही वाली है। खत्म। ओ, प्लान बी। क्विक, पिला दो। तो बोलो ये प्लान कैसा था? ओ, टाइम टू गो। गो बैक कहाँ? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो भी मेरे सॉक से। ओह, परफेक्ट। अपने पैर रगड़ो जल्दी। ओह, हे, ये क्या हुआ? ओह,
सुनो, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम इस विंडो से बाहर जाओ और पूरी दुनिया को हमारी स्टोरी बताओ। नो वे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर। हे, वाटर। आई मिस ग्रैंडमा। अगर वो होती तो यही चाहती कि हम इस कैट आर्मी को हरा दे। डेनिस, गेट इन द टॉप। हिट इट डेनिस। तो क्या हाल है मिस्टर कैट? तुम्हें शायद थोड़ा प्ले टाइम चाहिए अपने फेवरेट माउस के साथ। क्या तुम ढूंढ रहे हो इसे? यही मिस्टर कैट, तुम तो बहुत अच्छा बैले करते हो। हाँ, तुम अच्छे डांसर हो मिस्टर कैट। कम ऑन डेनिस, हम अपने 10 ट्रक्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। पास आओ गैंग, चलो इस ईयर की फैमिली फोटो को परफेक्ट बनाएं। जब तक ये कचरे का डिब्बा हमारे शॉट में है, वो भला परफेक्ट कैसे हो सकती है? मिस्टर कैट, इस फैमिली का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मिली इज राइट कूप, बस कैट को अपने छोटे भाई की तरह समझो जो बॉल्ड हो, जिसकी क्रीपी आंखें हो और एक रैट नेल हो। ओके एवरीवन, से बनानास। बनानास। हे, और ये फोटो तो है एकदम। वेल, इससे भी बुरा हो सकता था, पर जस्ट डोंट नो व्हाई। मैं उस कैट से बेवकूफ बनकर थक गया हूँ डेनिस, अब टाइम है उसे सबक सिखाने का। ओके, मैं उसे लासो रस्सी से बांधता हूँ और तुम उसे बॉक्स में डालो, फिर हम इसे साइबेरिया मेल कर देंगे। राइट, पर ये तो बताओ कि वो कहाँ है? व्हाट? पर उसे तो यही कहीं होना चाहिए। मुझे भी इससे एलर्जी है। नहीं तुम्हें नहीं है। मगर हो तो सकता है ना, और ये मैं आज ही नहीं महसूस करना चाहता हूँ। अगर डैड को ये लगे कि वो कैट से एलर्जिक है तो फिर तो उन्हें उसे दूर भेजना ही होगा। वाओ, आई एम ब्रिलियंट। टाइम फॉर ऑपरेशन कोजेंटाइट। इस पेपर से काम बनना चाहिए। ओके, उसे छोड़ दो। ओ बॉय, आप ठीक है डैड? क्या आपको आपकी पुरानी एलर्जीज फिर से हो रही है? क्या मुझे कोई एलर्जीज नहीं है? ऑलराइट, पता है हमने स्कूल में पढ़ा था कि आपको नई एलर्जीज हो सकती है ओवरनाइट। ओवरनाइट डेनिस? पता नहीं किन चीजों से या फिर किन एनिमल से होती है ये एलर्जीज। जल्दी इचिंग पाउडर फेंको, अब मैं इसे ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता। यो! पर डैडी, मिस्टर कैट तो हमेशा साफ सुथरा रहता है।
डोंट वरी, मैं इसे जल्दी से स्क्रब क्लीन कर देता हूँ। हे डैड, जरा से वहाँ पर भी। थैंक्स सन, एलर्जीज में कोई चांस नहीं लेना चाहिए। क्या तुम मुझे वो डैंडर सप्रेसिंग पाउडर दोगे बेटा? मिली, क्या तुम प्लीज मिस्टर कैट को लिविंग रूम में ले जाओगी? आप मिस्टर कैट को घर से तो नहीं निकालोगी ना डैडी? नो, मैं ऐसा नहीं करूँगा स्वीट हार्ट। आर यू श्योर? क्योंकि मैं इसके लिए एक अच्छा नया घर ढूंढ सकता हूँ। आई एम श्योर, हमें बस बाकी की जिंदगी कैट को दिन में 6 बार उसे नहलाना, पाउडर और स्प्रे करना पड़ेगा और इस तरह मैं बिल्कुल ही मुझे शावर में जाना चाहिए। डेनिस, अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। It's time for level red rash. Poison Ivy, तुम्हें नहीं लगता हम उन्हें ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं? इस दुनिया से एविल को मिटाने के लिए काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, स्पेशली कैट एविल को। Sorry, Dad. हॉट शावर से बढ़िया चीज और कुछ नहीं, और आज मुझे बाकी दिनों से अच्छा महसूस हो रहा है। यू श्योर आपको खुजली नहीं हो रही? नो रैश, आपको अनकंट्रोलेबल डेस्परेट अर्ज नहीं हो रही खुजली करने की? नोप, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ। हे, क्या तुमने एलर्जी बुक में ये पेज मार्क किया था? सबसे पहले वर्स्ट एलर्जी जो फैमिली में होती है वो है बेटे को, और इसका यही इलाज है कि उन्हें कहीं दूर भेज दिया जाए, फार फार अवे। ये तो बड़ा सख्त इलाज है। Anyway, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुझे तो कैट से एलर्जी है, तुमसे नहीं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं किरो। I don't understand. कैट तो यहाँ पर नहीं है। मुझे चाहिए एक टिश्यू। Come on, Dad. Okay, sport. चलो आप खेलें। सॉरी सन, मे भी किसी और दिन। स्लीप टाइट सन, फिर से नहीं। ओह नो सन, ये तो सच है, मुझे कैट से कोई एलर्जी नहीं, मुझे तो एलर्जी है तुमसे। मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं? ओह, वो क्रीपी कैट तो जितना सोचा था उससे भी कई स्मार्ट निकला। दिस स्टिंक्स। अब मेरे डैड मेरे साथ कुछ भी करने से डरते हैं। ओह, तुम ओवररिएक्ट कर रहे हो। लंच टाइम कुक। एम आई? मिलिए मेरे एक्सटेंडो डैड से। उप्स। आ। हेलो सन। हाँ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है कुप। ठीक से पकड़ो ताकि मैं देख सकूं। ये लीजिए। Well, इसका आंसर या तो 5 होगा या फिर अफ्रीका। अगर तुम्हें अपने मैथ होमवर्क में हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ लेना सन। श्योर डैड। 99 डैडी। स्वीट ड्रीम्स हनी। गुड नाइट डैड। ओ जरा एक मिनट। गुड नाइट सन। हेलो, ओह मुझे खुशी है आपने कॉल किया। मेरी एलर्जीज तो बहुत ही बुरी है। यस, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है, पर हम सबको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। मुझे कूप को अपने से दूर रखना ही होगा। ओके, थैंक यू आंट बीट्रिक्स। या जस्ट ऑर्डरिंग अ पिज्जा ब्रेकफास्ट के लिए। यकीन नहीं होता डैड मुझे उन वियर्ड आंट बीट्रिक्स के साथ रहने भेज रहे हैं। उनके साथ तो मैं लड़की बन जाऊंगा, कॉटेज चीज खाना पड़ेगा और डे टाइम सोप ऑपरास भी देखना पड़ेगा। बस अब बहुत हुआ, ये इविल कैट मुझसे इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगर मैं यहाँ से गया तो ये भी मेरे साथ जाएगा। मेरे पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, अ प्रेशराइज्ड हाइपोएलर्जेनिक बबल सूट। मुझे इसके लिए एक मूज हेड, एक वीकर चेयर और एक वॉशर ड्रायर आंट बीट्रिक्स को देनी पड़ी, पर ये वर्थ इट है।
तो फिर आप मुझे कहीं नहीं भेज रहे? पता नहीं तुम्हें ये आइडियाज कहाँ से आते हैं कुप। That's a relief. Yeah, अब सारी चीजें यहाँ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। टेंशन मत लो बड़ी, इसकी आदत पड़ने में तुम्हें बस कुछ हफ्ते, महीने या शायद कुछ साल ही लगेंगे। बस बहुत हुआ बिना बाल वाली फ्रीक। बस अब बहुत हुआ, फैमिली से इस तरह झगड़ा नहीं करती। ये फैमिली नहीं है, ये तो डेड मीट है। इसका टेम्परेचर बदल रहा है। पकड़े रहो। तुम लोग चुप रहोगे, मैं यहाँ पर कुछ डैडी राइड्स दे रहे हैं। मैं छींके बिना सांस ले सकता हूँ। ओह नो। आहा, ये वाली नई फैमिली फोटो तो परफेक्ट होने वाली है। आई कैन फील इट। सब अच्छे दिख रहे हैं। कम ऑन एवरीवन, चलो थोड़ा मैजिक करें। 1, 2, 3, बनाना।